नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ बड़ी खबरों के साथ। भांडेर पटेल चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा आम सभा का आयोजन। प्रभु दयाल जौहर मध्य प्रदेश कांग्रेस संयोजक के नेतृत्व में भांडेर के पटेल चौराहे पर कांग्रेसियों द्वारा संविधान बचाओ देश बचाओ जनता को संबोधन। पल पल की अपडेट देते जिला संवाददाता आलोक शुक्ला। स्वागत है। पहले तो ये बताइए कि आज जो आम सभा आपके द्वारा रखी जा रही है कांग्रेस के द्वारा, ये इसका नियोजन क्या है? बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज 24, मैं आपका स्वागत करता हूँ कि आप आए और मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सभा इसलिए रखी गई है कि संविधान बचाओ देश बचाओ। जब संविधान बचा होगा तभी देश बचा होगा। भारतीय जनता पार्टी के लोग संविधान को खत्म करना चाह रहे हैं। मैं आपका एक संविधान को उदाहरण जब दे दूं, जब 2018 हमारी सरकार बनी थी तो इनने खरीद फरोख्त के हमारी सरकार को गिरा दिया, तो संविधान इनने वहीं खराब करने की कोशिश की थी। और दूसरा संविधान इनने जो बॉर्डर पे हमारे किसान लड़ाई लड़ रहे थे जिसमें 700 किसान शहीद हो गए थे, वो उनने संविधान में ये संशोधन लाए थे ये लोकसभा में कि कैसे भी करके किसानों की जमीन को हड़प लें। और इनकी पूरी प्लानिंग थी जमीनों को हड़पने की, क्योंकि इनने सब चीज़ तो बेच दिया। जो बात करते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में क्या किया, कांग्रेस ने 70 साल में एक सुई से लेकर हवाई जहाज तक बनाया, और इनने 8-9 साल में इनने सब चीज़ बेचने का काम किया। जैसे इनने रेलवे बेच दिया, ट्रेनें बेच दी, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बेच दी, BSNL बेच दिया, और तुम्हारा LIC बेच दिया, SBI बैंक बेच दिया, सब कुछ बेच दिया। इन लोगों ने वो बेचने का काम किया, यानी संविधान को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। और हम संविधान बचाने के लिए ये आम सभा कर रहे हैं, और आम सभा बराबर चल रही है। कल दतिया में भी हमारी आम सभा थी, आज यहाँ पर हो रही है। 17 तारीख को भव्य बराबर हमारी आम सभा है। पूरे मध्य प्रदेश में हम लोग आम सभा कर रहे हैं संविधान बचाने के लिए। पूरे विधानसभा में लगे हुए हैं, और यहाँ पर संविधान बचा के जो संयोजक है वो आ रहे हैं भाई दामोदर यादव जी, वो बताएंगे आपको बारे में। यहाँ पर पूरी विस्तार से आम सभा लेंगे, और इसलिए हम संविधान बचाने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आपको मैं ये भी कहेंगे कि कर्नाटक में जो BJP की हार हुई और आपकी जीत हुई है, तो क्या मध्य प्रदेश में क्या पोजीशन होगी कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की जो फिर से सरकार बनेगी और मुख्यमंत्री कौन होगा? जैसे कि आपने बताया कि कर्नाटक हमारी सरकार बनी है, वास्तव में बनी है सरकार, तो हमारी कर्नाटक में पहले भी बनी थी, उनने वहाँ भी यही काम किया था जो मध्य प्रदेश में किया था, वहाँ भी सरकार को खरीदा था। और वहाँ की जनता बहुत समझदार है, और जनता को मैं बधाई देता हूँ कि उनने वो बदला ले लिया जो सरकार उन्होंने खरीदी थी, फिर दोबारा सरकार अपनी बना ली। अब ऐसे ही मध्य प्रदेश में भी जनता बहुत समझदार हो चुकी है, और वो समझदार तो पहले भी थी, इनने तो खरीदी है। फिर मध्य प्रदेश में हमारी सरकार बन रही 2023 में, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हमारे कमलनाथ जी होंगे। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फिर हाजिर होंगे ऐसे ही कुछ बड़ी खबरों के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।